क्यों पल में यूं दीवाना मैं हो गया। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 4 और हम लोग ये ब्लॉग शूट करने आए हैं। तो गाइस, इस ब्लॉग में जो भी गलती सही हो अपना छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। तो गाइस, हम लोग आज संडे का दिन था तो इसलिए सोचा कि क्यों ना एक ब्लॉग किया जाए। ब्लॉग में मैं आपको जोधपुर का नज़ारा दिखाने वाला हूँ और यहाँ पर देख लीजिए, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। तो गाइस, यहाँ पर हम लोग आए थे ब्लॉग शूट करने के लिए और फोटो एडिट करने के लिए। गाइस, यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। तो गाइस ये देखिए, पता नहीं ये क्या बनाया हुआ है, साला रोड पर ही छोड़ दिया ऐसे ही। तो फिर आप बताओ कि कैसे काम चलेगा, यहाँ पे एक्सीडेंट होने का डर है। तो गाइस, मतलब सरकार को चाहिए कि ये मतलब अच्छे से ढकवा दे और इसको तुरंत सही किया जाए, नहीं तो एक्सीडेंट होने का डर है। हालांकि ये रोड है, मेन रोड नहीं है, पर फिर भी डर है इसमें, डर है। तो गाइस, आप लोग को क्या विचार है कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। और यहाँ पे देख लीजिए, जोधपुर में चारों तरफ हरियाली भरी हुई है और मैं आपको क्या ही दिखाऊं। पर यहाँ पे आप लोगों को तो पता ही होगा कि मतलब यहाँ राजस्थान में पानी का बहुत दिक्कत है। हमारे दो भाई, ये है मेरे से छोटा और ये भी मेरे से छोटा ही है, पर मेरे से दोनों बड़े हैं। इसको क्या ही बताऊं, कितना भी खाता है पर ऐसा ही रहता है। ये गुठली है, और ये मेरा भाई है जो टकला हो चुका है। अपना बाल दिखा रहे, बाल दिखा टकला हो चुका है भाई साहब। इसको देख लीजिए, पुर के संगरिया का कुड़ी जाने का रास्ता है। तो इधर बहुत हरियाली भरी हुई है, बहुत टाइम लगेगा इधर मतलब बाजार होने में। क्या इधर कोशिश करता हूँ इधर बनवाने के लिए, जो है दिख रहा है ना आपको, देख लीजिए। नेता बोल रहा है मैं ये सब बनवा दूंगा। हाँ, ये बनवा देगा, ये नेता बना हुआ है, ये बनवा देगा। ये अपना ये काम करने के लिए यहाँ पे नेतागिरी कर रहा है, ये बोलेगा, ये देख लो, ये दोनों हीरो बन रहे हैं। ये फोटो शूट करने के लिए आए थे यहाँ पे और यहाँ पे आकर कॉमेडी कर रहे हैं। आए थे फोटो शूट करने तो हम भी साथ में चले आए और सोचा कि एक ब्लॉग शूट कर लिए जाए। तो ये गाइस, ये आप लोगों को मैं दिखा दूँ कि ये है मतलब जो अपन रहते हैं जिधर उस सोसाइटी या सभी जगह का नाली, मतलब नाली होता है ना जो अपने गाँव में बोलते हैं जिसको, उसका पानी ये जा रहा है। अब बहुत ही मतलब बदबू आ रही है इधर से और ये सब कचरा, मतलब कचरे के सब पानी और जितना भी कचरा अपन नहाते धोते हैं वाले हैं और वो सब पानी मतलब इधर से ही जाता है और ये फिर पानी ये जाकर उधर और सफाई होकर पीने के लिए आता है। रेलवे पटरी की तरफ हम लोग आए हुए हैं। गाइस देखिए, हम लोग जा रहे हैं अपने रूम पे और वो पास ही में मतलब रेल का पटरी है, उधर से रेल जा रही है। देख लो, आए हुए काफ़ी समय हो गया है और इनको लग चुका है भूख, तो ये जाएंगे अभी, इनको अपनी पेट पूजा करनी है। और वो भी मेरा भाई आगे आगे भाग रहा है और यहाँ पे देख लो फोटो शूट हो रहा है। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं। देख लीजिए इसको, ये खो गया है अपनी दुनिया में, मस्त है। ट्रेन आने वाली है और ट्रेन मतलब ये शटर गिराए हुए हैं, एंगल गिराए हुए हैं। और ये देख लीजिए भाई साहब कैसे पास कर रहे हैं बाइक को। तो गाइस, जब लोग बाइक पास करके जा रहे हैं तो हम भी अपना मतलब हम तो कुछ लिए ही नहीं है, तो फिर भी हम भी पास कर दिए हैं। और ये देख लीजिए बाइक लेके जा रहे हैं, ये लगाने के क्या मतलब ही नहीं रहता है, लोग पास करते जाते हैं, ये देख लीजिए। तो गाइस, हम भी पार हो गए हैं। तो गाइस, पानी पूरी की दुकान पर आ चुके हैं और ये लोग पानी पूरी खा रहे हैं। देख लो आप, 5 तरह के पानी यहाँ पर। गाइस, आप लोग बताना कि मतलब वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर देना।